नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल रंजना योगी ब्लॉग्स में। जैसा कि आपको पता है कि हमें घूमने फिरने का बहुत शौक है और हम लोग हिमाचल घूमने गए थे तो सबसे पहले दिमाग में हमारा ख्याल आता है मंदिरों का। हिमाचल में बहुत से धार्मिक स्थल हैं और आज के इस ब्लॉग में हम आपको मैक्लोडगंज, जो कि एक हिल स्टेशन है, इसके एक प्रसिद्ध मंदिर लेके चलेंगे। धर्मशाला के इस लोकप्रिय हिल स्टेशन को लिटिल लासा भी कहा जाता है। मैक्लोडगंज वो जगह है जहां पर 1959 में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा अपने हजारों अनुयायियों के साथ तिब्बत से आकर यहां बसे थे। यह स्थान विशेष रूप से दलाई लामा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तिब्बत की राजधानी लासा की तर्ज पे इसी जगह को मिनी लासा भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे मशहूर जगह दलाई लामा का मंदिर और उससे सटी नामग्याल मोनेस्ट्री है। दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर, और दलाई लामा के वंशज करुणा अवलोकितेश्वर के बुद्ध के गुणों के साक्षात रूप माने जाते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं दलाई लामा टेम्पल के गेट पे। ये देखिए, जो ये आप देख रहे हैं, ये है दलाई लामा टेम्पल, और यहीं से दलाई लामा टेम्पल में प्रवेश किया जाता है। तो चलिए प्रवेश करते हैं दलाई लामा टेम्पल में, और साथ में आप रंजना जी के साथ दलाई लामा टेम्पल के बारे में जानकारी सुनिए। बोधिसत्व ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जिन्होंने अपने निर्वाण को टाल दिया है और मानवता की रक्षा के लिए पुनर्जन्म लेने का निर्णय लिया हो। उन्हें सम्मान से परम पावन भी कहा जाता है। देखिए, हम उस तरफ से आए थे और पीछे एक और छोटा सा गेट है, इसमें घुसते ही हमारे सामने आ गया है, ये देखिए, ये आ गया है तिब्बती युद्ध स्मारक। तिब्बतन युद्ध स्मारक, आइए रंजन जी के साथ सुनते हैं और अधिक जानकारी। दलाई लामा मंदिर प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है और आसपास के शांतिपूर्ण माहौल का आनंद लेने के लिए आगंतुकों का स्वागत किया जाता है। और यहाँ पर हो रहा है सिक्योरिटी चेक, हो रही थी चेकिंग। और अब हम पहुँच चुके हैं मैक्लोडगंज के दलाई लामा मंदिर के अंदर। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये देखिए चारों तरफ, ये सब यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले और दलाई लामा को मानने वाले, वो देखिए सामने, वहाँ पे दलाई लामा जी बैठते हैं और वहीं से दलाई लामा जी बैठकर सबको संदेश देते हैं। और यहाँ पे जो सामने ये जगह है चारों तरफ, यहाँ पे उनके अनुयायी बैठते हैं। और ये देखिए, मैं उसके सामने दिखाता हूँ, वो जो दिख रहा है उस सामने, वो दलाई लामा जी का घर है, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, वहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। वो देखिए, वहाँ पे गेट लगा हुआ है और इस परिसर में लोग बैठ के दलाई लामा जी के संदेश सुनते हैं। ये देखिए, आइए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे दलाई लामा जी बैठते हैं और इसके, ये देखिए आपको जगह दिखेगी, उनकी गद्दी बनी हुई है और उस गद्दी में बैठ के वो अपना संदेश अपने अनुयायियों और बौद्ध धर्म को मानने वालों को देते हैं। और तिब्बती का बहुत सारे तिब्बती लोग और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ आते हैं। और ये आप देख रहे हैं फ्लोर नंबर 2 दलाई लामा मंदिर का। ये जो बीच का, बीच में जो ये जहाँ खिड़की नज़र आ रही है, ये दलाई लामा मंदिर का बौद्ध मंदिर है। चलिए मैं आपको इसके बाहर का प्रांगण दिखाता हूँ। भगवान बुद्ध की स्टैचू दलाई लामा टेम्पल में, यहीं पर दलाई लामा जी अपने अनुयायियों को उपदेश देते हैं। काफ़ी बड़ा परिसर है। चलिए मैं चारों तरफ से दिखाता हूँ परिसर एक बार आपको, और फिर मैं आपको इस मंदिर के अंदर लेके चलूँगा।
आसपास की सुंदरता देखते ही बनती है। देखिए चारों तरफ कितना सुंदर दृश्य है। ये दलाई लामा मंदिर के बाहर देखिए, दलाई लामा मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। आप धर्म से संबंधित अनेक प्राचीन पुस्तकें भी पा सकते हैं। यहाँ लोग इस मंदिर में ध्यान और अनुष्ठान के लिए भी आते हैं। एक बार जब आप मंदिर के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आप लोगों को प्रार्थना चक्र या प्रार्थना चक्र के पास प्रार्थना करते हुए और जप करते हुए पाएंगे। कुछ लोग मंदिर के चारों ओर आराम से सुबह की सैर या शाम की सैर करते हैं। मंदिर के आसपास का वातावरण शांतिपूर्ण है। यहाँ आने वाले लोगों को चैन, शांति और आत्मा की शुद्धता का अनुभव कराता है। इसके आदर्श वातावरण में ध्यान करने से मन और शरीर को संतुलन बढ़ती है और यहाँ हमारे जीवन का एक नया ऊर्जा को से भर देता है। और ये सामने देखिए आप, ये धर्मचक्र जो कि बौद्ध धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आप जब भी आप किसी बौद्ध मंदिर में जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेंगे। इनको घुमाना शुद्ध अच्छा माना जाता है। इससे माना जाता है कि इससे बुरी आत्माएं दूर भागती हैं। और हमने मंदिर की परिक्रमा लगा ली है और अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर। ये चक्कर पूरा हो गया। ये देखिए जो हम के अंदर घुसने का रास्ता है। और ये जो मूर्ति के सामने जो ये आसन रखा हुआ है, इसी में दलाई लामा बैठ कर अपने अनुयायी और बौद्ध धर्म के लोगों को उपदेश देते हैं। और यहीं दलाई लामा जी बैठते हैं। और सामने ये देखिए जो जगह है, यहाँ पे उनके अनुयायी बैठ के उनके उपदेश सुनते हैं। आइए मैं आपको दलाई लामा टेंपल के बारे में जानकारी देता हूँ। दलाई लामा मंदिर का निर्माण सन 1850 में हुआ था। यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। यह मंदिर तिब्बती संघ और समुदाय द्वारा संचालित होता है और यहाँ प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं ताकि वे अपने आध्यात्मिकता को निखार और दलाई लामा के आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। आप जब भी आप धर्मशाला मैक्लोडगंज जाते हैं तो मेरा आग्रह है कि आप जरूर मैक्लोडगंज के दलाई लामा मंदिर को अपनी यात्रा की सूची में शामिल करें। यहाँ जाने से आप अपने मन को शांत करेंगे, आध्यात्मिकता को महसूस करेंगे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेंगे। ये दलाई लामा टेंपल मंदिर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे दिए जल रहे थे। देखिए चारों तरफ दिए जला रहे हैं। दिए जलाते हैं।
व्यू, सामने हिमालय, बर्फ। हमने दलाई लामा मंदिर घूम लिया है, अब हम बाहर जाते हुए ऊपर जाने के लिए, अभी हम ऊपर थे, अब हम एग्जिट के लिए कहीं जा रहे हैं। यह है दलाई लामा टेम्पल के बीच और सेंटर की जगह, जहाँ पे दलाई लामा अपने अनुयायियों को उपदेश देते हैं। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको, वो देखिए सामने दलाई लामा वहाँ बैठते हैं और यहाँ पे सारे लोग पहुँचते हैं। और वो जो सामने दिख रहा हुआ है दलाई लामा का पैलेस, सामने वो दलाई लामा का पैलेस, वहाँ सिक्योरिटी रहती है, वहाँ पे किसी से मिलने दिया था उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। देखो तो सामने दलाई लामा का पैलेस है, देखिए गेट है, वो बड़ी सेंसिटिव एरिया होता है। और ये अब हम बाहर आ चुके हैं, ये देखिए, आइए हम बाहर निकलने का रास्ता। अरे हम वहाँ से, देखो गेट था एंट्री, वहाँ से ही आए और अब हम जा रहे हैं इधर को। देखिए रंजना जी कुछ पसंद आया, लाओगे कुछ? तुम्हारी ये दुकान लगा देता हूँ। टेम्पल यहाँ से हम घुसे थे और यहाँ से जैसे बैक साइड से बाहर एग्जिट का है। ये तिब्बतन मार्केट टाइप का बना रखा है यहाँ पे। ये मसाले तिब्बत के। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह दलाई लामा मंदिर का ब्लॉग पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। मिलते हैं इसी सीरीज़ के किसी अन्य जगह पर। धन्यवाद। Thank you for watching.